ये मैं हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और ये हमारी चुप इंट्रो करो चुपचाप। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय नेम इज नविका, माय नेम इज शिवांश एंड आज हम लोग कर रहे हैं Q&A। हमने आपको हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पूछा था अपने क्वेश्चन शेयर करने के लिए, बट फिर हमने सोचा कि अगर हम अकेले क्वेश्चन रीड करेंगे और आप उनका आंसर देंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे पेरेंट्स को बुलाने वाले हैं एंड दे विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस फॉर अस। हाँ, और गाइस थैंक यू सो मच फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। यस, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस विद द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम आवर पेरेंट्स। ये देखो कितनी के कमाल से हमारे मम्मी पापा आ गए हैं। जादू हाय शिवांश का एक ही घिसा पिटा डायलॉग है। ओके गाइस, सो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं और शिवांश खुद ही आंसर करेंगे बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे एक्सपीरियंस है सबके बारे में। जो हमारे बारे में से जनरल से क्वेश्चंस है वो हम मॉम डैड से पूछेंगे, बट यहाँ पे हमने एक बजर रखा है तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद मॉम डैड को बजर दबाना है एंड ऑब्वियसली जिससे पहले दबाया उसी को आंसर करने का मौका मिलेगा। सो बी अ लिटिल फन, ठीक है? चलो तो पहला क्वेश्चन है कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा किसका कमरा गंदा रहता है? और अगर आपको वीडियो प्रूफ चाहिए तो आप हमारा रूम टूर भी देख सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे और शिवांश के लिए ही है कि हमारा हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली यूट्यूब चैनल शुरू करने की, इंस्पिरेशन टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? मैंने तो मतलब मैंने और नका जी ने तो ऐसे बना लिया था। हाँ। मस्ती मस्ती में एक्चुअली हमने मेरे IGTV पे एक वीडियो डाला था। हाँ। जो हमारे YouTube पे भी हमारा फर्स्ट वीडियो है, माय ब्रदर इज माय मेकअप चैलेंज, तो वो फिर काफी अच्छा लगा था लोगों को। उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था पैनकेक वाला। हाँ। वो भी लोगों को काफी अच्छा लगा था तो फिर हमने सोचा कि ठीक है यूट्यूब पे डाल कर लेते हैं। तो फिर हम यूट्यूब पे डालने लग गए, धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा एंड टुडे वी हैव 50K। हमने जून में चालू किया था आई थिंक यूट्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कोई भी आंसर दे सकता है इसका, कि आर द वीडियोस व्हिच यू पोस्ट ऑन योर चैनल स्क्रिप्टेड? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली मेरा ही आइडिया था, मतलब जैसे व्लॉग्स में और बाकी चीजों में, कि यूट्यूब चैनल में कुछ भी हम करते हैं ना वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ फिर ना वो एक ओरिजिनल क्या कहते हैं वो ह्यूमर नहीं आता मेरे में से तो स्पेशली। हमारे पूरे चैनल में हम जो भी करते हैं वो हमारा डे टू डे लाइफ जो रहता है, हम ऐसे ही नेचुरली भी इतनी मस्ती करते हैं पूरे टाइम। तो कितनी बार ऐसा होता हो जाता है कि हमको जोक ऐसा मार देते हैं, कोई बहुत फनी मोमेंट होता है, तब हमें लगता है काश ये कैमरे के सामने होता। एंड अगर हम कभी ट्राई भी किया है हमने एक दो बार वो वापस पूरा सीन क्रिएट करने का कैमरे के आगे, बट वो उतना उसका वो ऑथेंटिसिटी चला जाता है, फिर वो अनफनी हो जाता है, तो हम कुछ स्क्रिप्ट नहीं करते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हम इंडिविजुअली सबसे पूछते हैं, ठीक है? पहले मेरे और शिवान से कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है? मेरा तो भुवन बाम और कैरी बनाटी। ये कौन है, कैसे वीडियोस बनाते हैं? अमित बड़ाना, वो पसंद है, ये तो ऐसे ही बोल दिया था अमित बड़ाना। मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स तो पता नहीं, मेरे को तो जो वीडियो आप फनी लग जाता है वो, बट आईड से जेम्स चार्ल्स। ठीक है, मम्मी पापा आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है? आपको बोलना है मम्मी पापा की हम दोनों को कितनी लैंग्वेजेस आती है अलग अलग, उसको कितनी आती है मुझे कितनी आती है? नविका को तो गुजराती बोलना नहीं आता, समझ में आता है, हिंदी फर्स्ट टॉप गुजराती आती है और इंग्लिश फ्रेंच और शिवांश को इंग्लिश हिंदी और बाकी सब समझ लेता है, बस बोलना नहीं आता है। फ्रेंच स्कूल में है बाकी आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों अपनी पढ़ाई और यूट्यूब कैसे मैनेज करते हो? दिन में थोड़ा शूट करते हैं, रात भर पढ़ते हैं। इनको रात को सोने की आदत नहीं है, इनका सूरज जो है वो रात को उगता है, जब सारी दुनिया सोती है तो ये दोनों जगते हैं, तब ये पढ़ते हैं, और फिर जब हम जगते हैं तो इनके साथ हम वीडियो बनवाते हैं, तो दोनों मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम दोनों की लास्ट ईयर कितनी परसेंटेज आई थी?
शिवांश की 9th का फाइनल तो हुआ नहीं था कोरोना की वजह से, बट जितना रिजल्ट था उसमें उसका 95% था, और नविका का सेकंड ईयर का ऑनलाइन एग्जाम्स ही हुए थे इसके, तो इसका 85% रिजल्ट था। ओके, ये वापस आप दोनों के लिए, हम दोनों की फेवरेट डिश या फेवरेट फूड क्या है? नविका का दाल चावल है। दही पापा, दही कैसे भूल गए? दही, 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 दही और हरी चटनी, पुदीने की चटनी, सॉरी सॉरी, दही दही चावल है। और शिवांश का वो ड्राई मंचूरियन और चीज चिली। यस सर, पनीर चिली। क्योंकि मेरी बहन तो पता है दही पे नशे करती है, मतलब ऐसे प्याली में आपके आता है, मेरी बहन मम्मी मन लाइन में देती है ऐसे, कुछ भी फिर क्रेडिट कार्ड लेती है मेरी बहन। आपको कैसे आता है ये सब? आपको कैसे आता है ये सब? मतलब ये छुप छुप के लेता है, रोज खाने में दही तो चाहिए। अच्छा वैसे आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है? आपको क्या पसंद है? जो आप दोनों खा लो हम तो वो ही खा लेते हैं। और पापा आपका सबसे ज्यादा? मम्मी का माथा। बाबा तो पेरिस और गोवा। yeah, और दुबई। अरे वाह, नेशनल गोवा, इंटरनेशनल दुबई। ओके, ये क्वेश्चन है, स्टडी में कौन ज्यादा बेटर है? स्टडी में दोनों इक्वली है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये शिवांश जो है वो पढ़ता है, एक घंटे के लिए पूरा काम हो जाता है इसका। नविका 4 घंटा पढ़ती है, वो उसके हिसाब से पढ़ती है। स्पीड दोनों बाद में इक्वल मार्क्स लाते हैं। 95% ये दिन में टाइम वेस्ट करता है, फिर एंड मोमेंट पे पढ़ता है। मैं भी एंड मोमेंट पे पढ़ती हूँ, लेकिन थोड़ा कम है वो। एग्जाम हॉल में भी मेरे दोस्त पढ़ के आता है ना, क्या बोला मैंने? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिवांश को मेरे बारे में और मुझे शिवांश के बारे में कौन सी एक चीज अच्छी लगती है? शिवांश नविका को हर टाइम बहुत मोटिवेट करता है, जो मुझे बहुत पसंद है। है छोटा भाई लेकिन काम बड़े भाई जैसे करता है। और नविका की मुझे ये बात शिवांश के लिए बहुत अच्छी लगती है कि ये इसका बहुत साइड लेती है और उसको बचा लेती है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये दोनों भाई बहनों का सच्चा प्यार है। नहीं, ये रीजन से झगड़े होते हैं मेरे यार। और इसको लगता है पूरे टाइम कि दुनिया की सबसे बड़ी स्निच है। मम्मी यार गवाह है, मम्मी को पता है मैं तेरा कितना पक्ष लेती हूँ। अरे मम्मी तो आपके साइड है, कितना बोलती हूँ। मम्मी तो आपके साइड है। पापा से पूछे थे, पापा आप बताओ। हम सही है, बिल्कुल सही, मम्मी ने बोला बिल्कुल सही है। मेरे काम में मम्मी को शिवांश का साइड लेकर उसको बचाती है, लेकिन ये शिवांश मुझे कौन जानता है। अब क्वेश्चन है कि हम दोनों की एज क्या है और हम कौन से स्टैंडर्ड में, ये विकास बताएंगे। पापा ऐसे थर्ड ईयर बीकॉम में आ गई है। बीए कॉम नहीं, शिवांश 10th में है, ये आपको सब मालूम ही है। शिवांश 15 साल का है, मैं और नविका का थर्ड ईयर के साथ साथ फ्रेंच डिप्लोमा भी चल रहा है, तो दोनों चीजें उसकी साथ में चल रही है। यस, मेरे तो 10th का सबको मालूम ही होगा, घर में पड़ोसियों को भी मालूम होगा, मेरी मम्मी इतना चिल्लाती है पूरा दिन, 10th है पढ़ ले। एक बंदे ने पूछा है कि आप ये जो जबरदस्ती की व्लॉग में हरकतें करते हैं वो आप सही में करते हैं सिर्फ कैमरा के साथ? नहीं नहीं, ये सब तो सही में करते हैं, हमारे घर में पूरा टाइम यही होता है। बस जबरदस्ती के व्लॉग में एक चीज कट हो जाती है एंड में, वो जो मैं मार खाता हूँ और डांट खाता हूँ वो नहीं दिखाई देती आपको मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वरना हाँ बस उसको हटा के सब सेम होता है रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी पापा कि हम दोनों को किस चीज से डर लगता है? नविका को पिजन से डर लगता है। अगर किसी को भी इससे कभी बदला लेना है तो इसको एक पिजन दे दे। चीला चीला के और इसको वैसे तो इसको किसी से डर ही नहीं लगता, डर को इससे डर लगता है, पर कभी कभी अंधेरे से डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रहता है? यार माँ बाप दोनों बच्चों के बीच में
कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये डेडिकेट तो है, ये नविका सुभाष थोड़ा लेट है. नहीं दोनों ऐसे बराबर अपना अपना करते हैं. हाँ. बट ये थोड़ा मस्ती में ज्यादा करता है और ये कुछ भी करती है तो थोड़ा सिंसियर होके करती है. लड़का और करते पूरा है दोनों अपना टारगेट हर काम में. अच्छा हम दोनों में से ज्यादा सरकास्टिक कौन है? तू जवाब दे मुझे. वो 100% शिवांश. शिवांश सरकास्टिक भी ज्यादा है और शिवांश समझ में नहीं आता है कि वो कब मजाक में बोल रहा है कब सीरियस बोल रहा है. नहीं उससे मम्मी को प्रॉब्लम है, घर पे सबको समझ आता है मैं मजाक कर रहा हूँ. सिर्फ और सिर्फ मम्मी को प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा मैं मस्ती कर रहा हूँ. मेरी तो जितनी लैग पुलिंग ये करता है ना उतनी तो कोई कर ही नहीं सकता है. हमारे इतने इनसाइड जोक्स है ना इस चीज को लेकर, मतलब हम चारों में इतने इनसाइड जोक्स है ना जहाँ हम एक दूसरे के लेते रहते हैं. मेरी सबसे ज्यादा. अच्छा एक ने पूछा है कि हम दोनों की कभी लड़ाई हुई है क्या, क्यों और कैसे? इसके लिए तो मतलब इसका तो कोई आंसर ही नहीं है. कब लड़ाई होती है इनकी? बैठे हैं दोनों बहुत प्यार से आपस में, नक्का जी शिवांश कर रहे हैं ठीक है. मैं सोचती चलो आज बहुत थोड़ा प्यार का मोमेंट है. विद इन 5 मिनट्स अंदर से महाभारत की आवाज आती है. कोई एक का टांग खींच रहा है, कोई किसी पर तकिया फेंक रहा है और फिर शिवांश मार खाता है. स्टोरी का एंड ऑलवेज ट्रेजिक होता है. और रोने लग जाएगी जोर जोर से. नहीं नहीं शिवांश को आदत है मेरे साथ ऐसे मस्ती करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये मुझसे लंबा हो गया है और अब ये मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है तो अब वो मुझ पे भारी पड़ता है. तो इसलिए मैं अब बहुत चिल्लाती हूँ. और मैं अगर कितना ही बोलूँ इसको छोड़ दे शिवान छोड़ दे तो मेरी तो सुनता नहीं है. मैं कितना ही बल लगाऊँ अपना ही मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो गया पता नहीं कैसे, तो मेरे से हटता नहीं है ये. तो अब बचा मेरे पास एक ही उपाय है मम्मी, तो चिल्ला के मैं अपने आपको बचा लेती हूँ. अब तो मेरा ये हाल है कि मुझे बाथरूम में या रात को सोते समय भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है मम्मी मम्मी. ज्यादा हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. नविका और शिवांश के बारे में कोई एक बुरी बात बताओ. इतनी तो बुराई कर ही दी है हम दोनों की. गलत आइडिया था ये मम्मी पापा लाने का. नविका की तो एक ही बुराई है, 9 बजे का अगर उठाना है तो मान के चलिए 10 बजे उठेंगे बस. और शिवांश की एक ही बुराई है कि इसका खाने का इसको भी पता नहीं होता है कि इसको क्या खाना है. तो मेरे लिए सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं क्या बनाऊं. पापा अब आपके लिए क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए कि आपको वीकेंड पे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? वीकेंड पे सबसे ज्यादा क्या करना? हमको कुछ करना नहीं पसंद है बट मम्मी कपड़े सुखवाती है. सुखवाती है बोला ना. ठीक है अब आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आपको. बट हमारा बर्थडे कब आता है? क्या पूछने वाली बात? उनको नहीं पता ना, ये तो अपने की है भाई. शिवांश का फर्स्ट में 2005, नविका का 20 में और 2000. गुड गुड आपको मिलते हैं 100. किसी ने पूछा है कि आपके एप्स वीडियोस कौन एडिट करता है? बहुत अच्छे करते हो. थैंक यू हम करते हैं आईमूवी से. मैं करती हूँ, हम करते हैं सारी एडिटिंग ए टू जेड. मैं जी आपकी खुशी में मेरी खुशी. चुप मैं आईमूवीज यूज करती हूँ मोस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों ने कब से एक्टिंग करना शुरू किया और हमारा पहला काम क्या था? ये तो मम्मी पापा नहीं, ये पापा बताएंगे. उस समय लगभग 6-7 साल की थी तब इसका सबसे पहले ऐड हुआ था कॉम्प्लेन का और उसके बाद हुआ था सेना समथिंग टू अनुपम अंकल. इसका सब पहले सबसे पहला शो था और उसके बाद शिवांश का हुआ था बालिका बुद्धू सबसे पहला शो था जिसमें ये विक्रांत मैसी का बेटा था. हाँ मिर्जापुर बुड्डू पंडित नहीं बबलू पंडित ना बबलू पंडित. हाँ बबलू पंडित. So one of the question has asked me about my hair care routine and मुझे बीच में hair fall का बहुत problem हुआ था and for that I think onion is a very good remedy and I would suggest you guys to try out Wow Skin Sciences onion range products. So first up we have Wow Skin Sciences onion black seed hair oil which comes with a nozzle like this which is basically a comb applicator. So you can simply take out the cap of this bottle and put this nozzle on top
एंड आफ्टर यू कोम्ब योर हेयर नाइसली अप्लाई इट राइट हेयर ऑन टू योर रूट्स एंड देन जेंटली मसाज द प्रोडक्ट इन टू योर हेयर. ये नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीजी है और इसमें काफी तरह के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स है और ये आपके डल हेयर को रिवाइव कर देता है. ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और ये आपके बालों में एकदम जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है. और जैसा आप जानते ही हैं, वाव स्किन साइंस एक कंप्लीट मेड इन इंडिया ब्रांड है और इसके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही बनते हैं. और वाव स्किन साइंस का एक ऐप भी है जिसमें काफी इन ऐप ऑफर्स मिलते हैं और इसके हर प्रोडक्ट पे QR कोड होता है जिसका आप स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं. This beautiful bottle is Wow Skin Science's Red Onion Black Seed Oil Shampoo. It has red onion seed oil extract, vitamin B5. It helps strengthen, soften and restore the shine in your hair. And as you all know, there are no parabens, no silicones, colors or anything extra added. And along with the shampoo, you can also use Wow Skin Science's Red Onion Black Seed Oil Hair Conditioner. ये कंडीशनर आपके बेजान बाल को लस्टर्स बनाता है और डैमेज्ड हेयर को प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करता है. नविका को 10th और 12th में कितने आए थे और शिवांश की पढ़ाई कैसी चल रही है 10th की, उसके क्या प्लान्स हैं? नविका को तो 95% आए थे 10th में और 12th में 85% आए थे. शिवांश का टारगेट है 90-95 का टारगेट है. अब जो अचीव कर रहे देखो क्या करता है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है. एक क्वेश्चन है कि उन्हें आप दोनों का नाम पूछना है. मेरा नाम विक्की नहीं है, विकास कोटिया है. विक्की तो प्यार से बोलते हैं और बिंदु कोटिया. हाँ एक्चुअली बहुत सारे वो यूट्यूब पे बनाते हैं लाइफ स्टाइल वीडियोस, तो हमारे जितने भी बने हुए हैं उसमें सबने पापा का नाम विक्की कोटिया बोल रखा है, इसलिए पापा बोल रहे हैं उनका नाम विक्की नहीं विकास है, सिर्फ मम्मी उन्हें विक्की बुलाती है. ओके मम्मी आपका नाम? बिंदु कोटिया. बिंदु रे बिंदु मेरी प्यारी बिंदु. एक ने पूछा है कि आपने अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे की थी और आपको ये रिश्ता में काम करके कैसा लगा, पहले आप बताइए. तो मैं अपनी दीदी के साथ ऑडिशंस में जाता था, तो एक दिन मेरे लिए भी एक रोल था तो मैंने भी वहीं पे ऑडिशन दे दी थी दीदी के साथ और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया था. और ये रिश्ता में तो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने उधर 2.5 years काम किया था, मुझे एक भी दिन ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे नहीं करना या अच्छा नहीं लग रहा. हर रोज मुझे बहुत मजा आता था और एक्टिंग करने मेरी हॉबी है तो वो तो मेरे को ऑब्वियसली मजा ही आ गया ना. और वहाँ पे शूटिंग करने में भी इतना अच्छा लगता था बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर था मैं रियल लाइफ में भी एकदम वैसा ही हूँ, तो मजा आता था. तो मैं तो बहुत छोटी थी एंड हमारी फैमिली में कोई भी एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो मॉम डैड को ही शौक था तो वो मेरे को लेके जाते थे. देयर वाज दिस शो कॉल्ड सेना समथिंग टू अनुपम अंकल, तो वो सब पे आता था सोनी सब पे, तो उसके लिए इट वॉज अ टॉक शो विद किड्स, तो वहाँ पे हमने अप्लाई किया था. फिर डीडी नेशनल पे भी डांस शोज होते थे, मैंने बुगी बुगी की भी ऑडिशंस वगैरह दी थी. तो ऐसे धीरे धीरे करके शुरुआत हुई थी. फिर हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया एंड वी गेव इट टू प्रोडक्शन हाउसेस, हमने अपना कॉन्टैक्ट बिल्ड किया एंड फिर ऑडिशंस आने लगे धीरे धीरे. एंड एज पापा सेड पहले भी कि मेरा पहला एड कॉम्प्लान का था. और मेरा पहला सीरियल कौन सा था? मेरा सीरियल ये इसका था बालाजी का ही था, कोई सीरियल आप कसम से मैं साथ पेरे किया था. उससे पहले से बालाजी के आपने बहुत से रोल किए थे जो मेन लीड हीरोइंस का बचपन होते थे. हाँ. बहुत सारा आपने रोल प्ले किया है. फिर ऐसे तो फिर धीरे धीरे करके फिर शुरू. एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है तो मैंने शिवांश ने साथ में किया था, तो उस वजह से इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. हम लोग घूमने भी गए थे बैंकॉक वगैरह उसकी वजह से एंड पूरे टाइम सेट पे या तो मैं मम्मी शिवांश रहते थे या पापा रहते थे वीकेंड्स पे, तो एकदम फैमिली जैसा ही था. बाकी सारे कोस्टार्स भी फैमिली जैसे हो गए थे एंड आज भी आप लोग सब हमें ये रिश्ता के उससे याद रखते हो एंड हमेशा कमेंट्स में आता रहता है ये तो नक्शन चिक्की है, तो पढ़ के अच्छा लगता है. अब क्वेश्चन मॉम डैड के लिए कि हमारी हॉबीज क्या है. नविका की है ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, सोना, खाना, रात भर जगना, बहुत सारी हॉबीज है, मैं एक में काउंट कर सकती. और शिवांश की हॉबी है वीडियो गेम एंड फुटबॉल और रैपिंग. शिवांश को रैप का भी बहुत शौक. मम्मी इन लोगों को जानना है कि हमारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या? जवाब देने से पहले मैं इन दोनों से पूछती हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ? हाँ दोनों सिंगल है आप गाइस. पूछा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे जब आपको पता चलेगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है. तीनों बताओ एक एक करके. मम्मी आप कैसे रिएक्ट करोगी? मैं तो बोलूंगा बेचारा. एक्चुअल में पहले तो पूछेगी मुझसे, मम्मी ये मुझे अच्छा लगता है, मैं इससे दोस्ती कर लूं, तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा. मम्मी को ऑलरेडी पता होगा बिफोर
लड़के को पता होगा वो मेरे बॉयफ्रेंड है, पहले मम्मी पापा को पता होगा कि वो मेरा भी वही सीन होगा। तीनों को पहले से ही पता होगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे वैसे भी आपस में डिस्कस किए बिना कुछ भी काम नहीं होते हैं। कोई इतना सा भी अच्छा भी लगा, कोई क्रश भी आया किसी पे, तो पहले आके हमको बता देते हैं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं। शिवी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रोल मॉडल कौन है? मम्मी और पापा, मतलब मम्मी का होम मैनेजमेंट का तरीका और पापा का कूलनेस। पूछा है कि जब आप इंग्लिश जब आपने शूट की थी तो आप कितने साल के थे? तो मैं 11 साल की थी और मैं 6 साल का था। जब रिलीज हुई थी तो मैं 12 की थी, 7 का था। बट बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज इट। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट उन सबको एक वीडियो में लेना तो पॉसिबल नहीं था। बट रियली सॉरी इफ यू मिस्ड आउट ऑन योर क्वेश्चन। हम नेक्स्ट टाइम जब भी एक वीडियो बनाएंगे तो वील डेफिनेटली कवर योर क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आप हमारे चैनल पे आए, हमारे साथ आपने कोलैबोरेट किया। बहुत राज खोल दिया मम्मी पापा ने हमारे। और गाइस हमने और भाई लोग, हम नहीं चाहते कि क्यों सिर्फ हमारे बारे में हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपकी एज, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, ताकि हम भी आपके बारे में थोड़ा जान सकें। हाँ, और आपको जो भी अपने बारे में शेयर करने का मन करे, लाइक योर हॉबीज, हाँ कुछ भी आपकी पसंद नापसंद, आप सब शेयर कर सकते हैं। और हम आप सबको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड एंड गाइस प्लीज आप ये भी बताइएगा कि हम लोग आपको कैसे लगे, क्योंकि आप हमेशा तो इन लोगों के लिए बताते हैं और आपने ही बोला कि कभी पेरेंट्स को लाओ, मॉम को लाओ, तो आए हम लोग आए, तो प्लीज ऐसे भी मम्मी बहुत कैमरा कॉन्शियस है, वो ज्यादा फोटोज भी नहीं खिंचवाती है, बट आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं आई हूँ। तो प्लीज गाइज इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो भी करें। हाँ, तो नविका का आईडी है Navika_Kotia एंड शिवांश Shivansh.Kotia। सो प्लीज गाइज ये मेरी आप लोगों से फर्स्ट रिक्वेस्ट है, तो आई थिंक सो आप लोग करेंगे। थैंक यू पापा, आप क्या करना चाहेंगे? सब्सक्राइब एंड शेयर, नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू गाइज, बाय बाय, लव यू।